न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है मैं आपके साथ ज़हीर। 75 बरस का एक आपको है। जी ने ही कल या परसों एस की तरफ से अब उस तरफ से इशारे आने लगे हालांकि दो दिन पुरानी खबर है कि पिछहत्तर साल के होने के बाद जो केजरीवाल ने आवाज उठाई है कि आर हटा देगा और सवाल पूछा है केजरीवाल ने अब पता ये चल रहा है बीजेपी के सूत्रों के माध्यम से कि धीरे धीरे वो पिछहत्तर साल का होने का जो क्राइटेरिया मोदी जी पर फिट बैठने वाला है कुछ महीनों बाद क्या मोदी जी अपनी सीट छोड़ देंगे क्या आरएसएस को सबसे शानदार तरीका यही नज़र आ रहा है कि अब जब पिछहत्तर बरस के मोदी जी हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत आराम से कह दिया जाएगा भाई संगठन चाहता है हमारा क्राइटेरिया है आपका क्राइटेरिया बना हुआ है जैसे मुरली मनोहर जोशी और बाकी तमाम लोगों को बर्फ़ में लगा दिया गया है मुरली मनोहर जोशी इकनॉमी के इकनॉमी के बड़े ज्ञाता थे दोस्तों मैं आपको बताऊँ मैंने कई बार उनके वक्तव्य सुने पढ़े तो मुझे लगा उस आदमी की जानकारी वाकई ज़बरदस्त थी लेकिन बहरहाल उम्र का तकाजा था तो समझ लिया गया है हालाँकि ये एक विडम्बना है कि हमारे यहाँ किसी ऑफिस में काम करने वाला बंदा वो पचास में अट्ठावन में साठ में बासठ में रिटायर हो जाता है लेकिन राजनीति की रिटायरमेंट तो क्योंकि एज ही नहीं है ये तो मोदी जी को सलाम करना चाहिए आर को सलाम करना चाहिए कि पिछहत्तर वर्ष का एक क्राइटेरिया बांध दिया गया है लेकिन अब इसमें आकर फंस गए मोदी जी सूत्रों से जो पता चला वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले खबर देखिए ये परसों की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं हिंदुस्तान की आरएसएस ने मोदी को अल्टीमेटम दिया कि उन पर भी लागू होगा पिछहत्तर साल वाला नियम केजरीवाल केजरीवाल ने कहा कि बड़े विश्वस सूत्रों से मुझे पता चला है मतलब एक ऐसे आदमी ने उनको बताया है जो ये मैं कह सकता हूं कि आर के करीब है आप देख सकते हैं उसने लिखा है कि कल मुझे आर के बहुत सीनियर नेता मिले उन्होंने बताया कि आर ने अल्टीमेटम दे दिया है कि पिछहत्तर साल वाला रूल तो लागू होगा लेकिन कह रहे हैं कि वो मान नहीं रहे सत्ता छोड़नी बड़ी मुश्किल है कुर्सी छोड़नी बड़ी मुश्किल है खुद ही रूल बनाया सत्ता का लालच कहते हैं कि परिवार नहीं है पता नहीं किसके लिए लालच है आज आरएसएस के कार्यकर्ता जब घर घर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि मोदी जी पर पिछहत्तर साल वाला कानून क्यों लागू नहीं होता जब आदमी किसी पद पर बैठे तो उसे निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए पद रहे या नहीं इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसे विरले कम होते हैं असल में केजरीवाल जी केजरीवाल जी ये बात कह रहे हैं ऐसे विरले कम होते हैं राजनीति और राजपाट किसी के नीचे आ जाए कुर्सी मांझी जी को जो मांझी जी मोदी जी के साथ मंत्री हैं नीतीश कुमार ने कुछ वक्त के लिए सीएम बना दिया था आप यकीन मानिए उन्होंने तो ये बनाया था कि उन पर कुछ आरोप लगे थे वो अपने आप को उन आरोपों से बरी होने तक के लिए दूर करना चाहते थे तो शानदार एग्जाम्पल था लेकिन तारीख ने यह देखा एक बाजीगर फिल्म आई थी आपने देखा हो कि उसके अंदर शाहरुख खान का जो बाप था शर्मा उसके नाम से तमाम फैक्ट्रीज़ वगैरह थी वो अपने चोपड़ा मैनेजर को जो उसमें दिलीप दिलीप ताहिल ने शायद वो रोल अदा किया उसने उसको दिया पावर ऑफ अटॉर्नी और, और जैसे वो आया तो पता चला सब जगह चोपड़ा चोपड़ा लिख दिया था तो दोस्तों बात यह है कि चोपड़ा चोपड़ा जो लिख दिया था उसकी वजह यह है कि ये सत्ता की सीट नहीं देना चाहते मोदी जी अमित शाह करीब बहुत हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि हम वो सीट किसी और को दे दें अब ये जो पिछहत्तर साल वाला क्राइटेरिया मोदी जी ने आर एस ने बनाया था ये गली की जान पड़ चुका है सूत्र बता रहे हैं आर एस एस के अब आर एस एस इस बात पर अडिग हो गया कि आप रिटायर हो जाइए क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया कि देश के अंदर मोदी जी का जो ग्राफ है वो कितनी तेजी से नीचे घटता जा रहा है अब ये ग्राफ अगर घटता जा रहा है मिसाल के तौर पर तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि किस प्रकार से मैं समझता हूँ कि मोदी जी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई एक तरफ वो कूटनीति से लड़ें एक तरफ वो प्रदेशों के अंदर चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर तन मन धन सौंप दें एक तरफ वो हिंदुत्व की डगर को बहुत आगे ले जाएं, क्या क्या करें मोदी जी एक अकेली जान है इतने सारे काम हैं अब आरएसएस ने नया ये टंटा रख दिया है कि पिछहत्तर साल हालांकि मोदी जी खुद ही इस पर अमल करते हुए आए हैं वो गुजरात चीफ मिनिस्टर हों या बाकी तमाम लोग हो, आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है अच्छा खासा काम करते हुए भी उनको रिटायर होना पड़ा है कानून बने अब वो कानून खुद के गले में जब पड़ रहा है तो मोदी जी की तरफ से कोई इशारा नहीं आ रहा है पिछली बार जब केजरीवाल जेल से आए थे पिछली बार क्या इसी बार जो आए थे तो उन्होंने कहा था कि दो भविष्यवाणी के एक तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि पिछहत्तर साल के बाद उनको जाना ही होगा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह वगैरह ने आकर के इस बात का क्लियरेंस दिया क्योंकि वो 2024 से इलेक्शन से पहले से आए थे जब कुछ वक्त के लिए छोड़ा गया था कहा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री जी के चेहरा होंगे यानी कि मोदी जी अजर और अमर हैं दो तक जो उनका प्लान है विकसित भारत का वो भारत क्या है वो तो आपको अगर मैं किसी दिन बताऊं लेकिन आप भाग जाते हैं इकोनॉमिकल जब खबरें आती हैं आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते रोचक और चटकी हुई ख़बरें ज़्यादा हमारे व्यूवर्स को पसंद आने लगी हैं हमारी कोशिश भी दोस्तों यही है कि मेंटली मेच्योर हम भी हो जाए और हमारे दर्शक भी हो जाए ताकि हमें पता तो चले ना कि देश एक्चुअल में किन हालातों में है मैंने आपको कल बताया था आपने बहुत कम वीडियो देखा कि भारतीय जनता पार्टी 18 बीस बाईस करोड़ होने के बावजूद भी सदस्य अभियान चला रही है और इस बार उनका जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं हैं यानी कि बाकी लोगों लोगों तो, लोगों को को तो तो वो बता बना चुके हैं अंधभक्त आगे आगे लोगों को जो हिंदुत्व की बात है अच्छा कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पांच ट्रिलियन की बात बताई जा रही हो आपको देश के अंदर एक ऐसी बात बताई जा रही हो कि देखिए हाईवे बना दिए हैं आपको बताया जाता है कि ये मुस्लिम समाज क्या कर रहा है विशेष समुदाय क्या कर रहा है पाकिस्तान क्या कर रहा है चीन का जिक्र नहीं करते इस बिहाव पर जब सदस्यों का अभियान चलाया जा रहा है उनको लेकर आया जा रहा है तो आप अंदाजा कीजिए कि किस मैंटेलिटी का बंदा इंटरनल इं एंट्रेंस करेगा और अब तो पता ये चल रहा है कि बंगाल का एक जज तीस साल से सेवा दे रहा है बीस साल से पच्चीस साल से और उसके बाद जब रिटायर होकर के बीजेपी का टिकट लेता है तो बोल देता मैं तो पैंतीस बरस से इंस्पायर्ड हूँ आर एस अब अंदाज़ा कीजिए पैंतीस तीस बरस में उसने जो भी फैसले किए होंगे पारिवारिक या कोर्ट के अंदर बैठ वो आर के नज़दीक किए होंगे बीजेपी के नज़दीक किए होंगे कहाँ किए होंगे अंदाजा कीजिए आप तो दोस्तों देश की स्थिति यह है बहरहाल मैं अपने, अपने टॉपिक पर आता हूँ कि मोदी जी एक तरफ फिलान बने बैठे थे कि कोई बोलने वाला नहीं है और जो बोलने वाले थे उनको समतल कर दिया गया था मैं कई बार बार हाँ आपको बता चुका हूँ लेकिन अब धीरे धीरे आर ने अंगड़ाई ली है और ये दो हजार का जो इलेक्शन आया है इसने तो वाकई नींदें खराब कर दी इसने तो ये बता दिया कि मोदी जी की पोजिशन वो वो इरा वो ग्लैमर वो मतलब पोजिशन जो पूरी की पूरी बनाई थी दस लाख का सूट पहन करके और कई कई दिन में तीन तीन बार सूट बदल करके वो पोजिशन अब नहीं है राम मंदिर भी बन चुका उसके बनने के बावजूद भी सारा श्रेय लेने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर उनतीस सीटें हार गए भारतीय जनता पार्टी वाले उम्मीद नहीं कर रहे थे बासठ सीटें थीबन उसमें से जो बाकी अट्ठारह सीटें सत्रह सीटें थी दो सीटें सॉरी इन्हीं की थी जो बाकी सोलह सीटें थी उन पर भी नजर रखे हुए था आर और बीजेपी चार सौ तीन सौ सत्तर यहाँ दो सौ बहत्तर पकड़ना मुश्किल हो गया तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब देखा कि वाकई ये सिर्फ जुमलेबाजी है तो अखिलेश यादव ने जो पी बनाया था उसकी तरफ चले गए लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं मोदी जी से निकल गए या पीडीए की तरफ चले गए यानी कि जाति आधारित राजनीति पर चले गए मुझे बहुत अच्छी बात नहीं लगती है लेकिन हिंदुत्व का तोड़ भी यही है फिलहाल तो इंजेक्शन की जरूरत है कोमा से बाहर लाने की जरूरत है देश के लोगों को कोमा से बाहर लाने की जरूरत है जो हिंदुत्व का एक ऐसा चाशनी एक अफीम चटा दी गई है उसके नशे से बाहर निकालने की ज़रूरत है अब उसमें वो अगर मिसाल के तौर पे पीडीए का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे कोई ज़्यादा मज़ायक नज़र नहीं आता है लेकिन फिर भी हमारी और आपकी सोच ये होनी चाहिए थी कि देश के बुनियादी जो मुद्दे हैं उन पर हम किस प्रकार से काम करेंगे उस पर हम किस प्रकार से गामजन होंगे मोदी जी कौन सी जगहों पर कामयाब हुए हैं कौन सी जगह पर नाकाम हुए हैं अभी अमेरिका के दौरे के बारे में अगर मैं किसी हंध से ये पूछूं कि आप ये बताइए मोदी जी के दौरे का मकसद क्या था हासिल क्या हुआ नहीं बता पाएंगे एक दो चीज़ें हालांकि हुई हैं लेकिन आप बताइए असम्बली यू के अंदर बोलने को तैयारी है तमाम दुनिया के सर्वे सरवेसरवा बोल रहे हैं चूंकि अब ईरान भी अजीब बात कर रहा है श्रीलंका नेपाल हमारा इर्द गिर्द जितना भी इलाका है वो आप अंदाजा कीजिए किन की स्थिति में ये बातें आपको नहीं बताता गोदी मीडिया गोदी मीडिया का एंकर तो आपके सामने आएगा टाई कोट पहन करके वो कोई ऐसा बुनियादी जूस में पेशाब मिला रहे हैं साहब अरे साहब अगर किसी ने मिलाया भी है पहली बात तो झूठ खबर है और अगर हुआ भी है तो क्या पूरा विशेष समुदाय अभी एक पुजारी पकड़ा गया है पिछले साल की बच्ची के साथ तो क्या सारा ब्राह्मण समाज बलात्कारी हो जाएगा दुष्कर्मी हो जाएगा ये अकल में आने वाली बात है या पूरे समाज को लपेटने की बात है टीवी के थंबनेल इस तरह से बनाने लगे हैं गोदी मीडिया के एंकर के कभी इस्लाम को कभी विशेष समुदाय को कभी विपक्ष के लोगों को विलन बनाना शुरू कर दिया है और जो दिखता है वो अंदर भी जाता है समझ रहे हैं आप आप तीन चार, चार चीजों से देखते हैं नाक में दवाई डालें आँख में दवाई डालें कान में दवाई डालें मुंह में दवाई डालें जाती कहाँ है अंदर हमारे अंदर जाने की चार ही जगह है कान नाक मुंह और आँख जो देखते हैं जो सुनते हैं जो बोलते हैं वो दिल में उतरता है और आखिरकार दिल में इतना उतर चुका है कि आज एक नया जवान नौजवान लड़का मैंने देखा कि मैं बम से उड़ाने आया हूँ मस्जिद अभी चार महीने पुरानी खबर है अरे भाई को क्यों उड़ाने आया हजारों सालों से मस्जिद है हजारों सालों से मंदिर है सब लोग आपस में रह रहे हैं लेकिन ये पार्टी जब से उदय हुई है इसने कैसे समाज का अनावरण कर दिया है कि जो बम से उड़ाने की बातें करने लगा है हालांकि बम से उड़ाने की उधर भी बातें होती हैं वहाँ विदेश में भी बातें होती हैं तो यहाँ के विशेष समुदाय के माथे पे चिपका दिया जाता है खैर अपनी खबर पर मैं आ जाता हूँ कि मोदी जी के बारे में बहुत अच्छी खबर नहीं है दोस्तों आर एस एस की नज़र बड़ी कड़ी पड़ रही है निगरानी में है जरा सी चूक मिलते के साथ ही जैसे चीजें मिल रही हैं आर एस एस अपना पूरा रोल अदा करने वाला है जाहिर सी बात है संगठन है उसके आगे बहुत लंबा एक प्रोग्राम बना हुआ है हिंदू राष्ट्र कार्य जिसका आप जानते हैं किसी वक्त मौका मिलेगा फिर बताया जाएगा आपको कि भगत सिंह के बारे में आज शायद भगत सिंह की वो है उसके बारे में क्या राय है इनकी आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम में किसी ख़बर के साथ हाजिर होता हूँ जय हिंद